बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप कश्मीर क्राउन देख रहे हैं और इस वक्त हम बैठे हैं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर धन्ना मंडी और दरहाल के एक ही हैं, उनके पास बैठे हैं। हम इनसे भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको थोड़ा वाजिया करते हैं कि चंद रोज़ कबल हमने एक खबर आप तमाम नाज़रीन के सामने रखी थी, जिसमें हमने बताया था कि धन्ना मंडी सब डिवीजन होने के साथ साथ वहाँ पर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर डॉक्टर कोई भी तैनात नहीं था उस टाइम पर। उस पूरे मामले की हकायक क्या हैं उनके, वो भी जानेंगे। जानेंगे कि धन्ना मंडी के साथ हमेशा से एक हम कहें कि बेरुखी का सलूक क्यों किया जाता है, और जानेंगे क्या असल वजह है कि वहाँ पर स्टाफ डिप्यूट क्यों नहीं किया जाता। अगर हम उसके बनिस्बत ये देखें कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से सरकार बड़े बड़े दावे और वादे कर रही है कि सेहत को लेकर महकमा सेहत हमेशा से संजीदा नजर आया, लेकिन आखिर बेरुखी धन्ना मंडी सब डिवीजन की आवाम के साथ क्यों? सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने वक्त दिया। थैंक यू। आपसे जानेंगे कि हमने एक खबर चलाई थी जिसमें डॉक्टर जो है वो नज़र नहीं आया, वो कुर्सियां जो थी हॉस्पिटल पे वो खाली नज़र आई। हम आपसे ये जानेंगे कि उसके बाद आपने क्या उस पर कार्रवाई की, और वो जो डॉक्टर्स वहाँ पर नहीं थे उस टाइम उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो मामला था कि क्या सब डिवीज़न धन्ना मंडी में डॉक्टर्स की कमी क्यों है? यह है कि धन्ना मंडी में जो वहाँ पे वो NHM की तरफ से CHC है, वहाँ के दो पोस्टें डॉक्टर्स की खाली हैं। इस वक्त तक कोई डॉक्टर नहीं है वहाँ पे। वो CHC है या PHC, पहले ये क्लियर करें आप। NHM की तरफ से CHC, और जो रेगुलर साइड है उसकी तरफ से PHC है। इसका मतलब आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया, कभी CHC बताया जाता है कभी? ना ना, वो बात नहीं है। यह NHM जो है वो अपने डॉक्टर भेजते हैं, वो लेकर उनके कितने डॉक्टर हैं? उनके दो डॉक्टर वहाँ अपॉइंट हैं, वहाँ पे मिला तो कोई नहीं, जिनकी पोस्टें हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है उस वक्त उधर। हाँ, तो PHC रेगुलर साइड से जहाँ दो डॉक्टर अपॉइंट हैं, एक डॉक्टर अरशद है जो बदकिस्मती से बीमार हैं, और दूसरे डॉक्टर गुलाम है जो इस वक्त उधर रहे हैं। तो अब PHC में इतना ही स्टाफ होता है। नहीं, अगर आपने कहा NRHM की तरफ से वो CHC है, तो फिर उसको जब डॉक्टर देने की बात आती है तब PHC काउंट किया जाता है, जब उसके स्टेटस की बात की जाती है तब CHC काउंट किया जाता है। इस पर थोड़ी सी रोशनी आ रही है। हाँ नहीं, वो ये पता है NHM के जो बॉस हैं, हमने उनको भी लेटर लिखा है, हमने डॉक्टर साहब को भी लिखी है लेटर के डॉक्टर की कमी है बाकायदा, क्योंकि डॉक्टर अरशद जो बीमार हैं उनकी जगह दूसरा डॉक्टर भेजे, और उन्होंने हमें यकीन दहानी कही है कि एक महीने के अंदर हम आपको डॉक्टर देंगे। सर, जब वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे तो आपने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें डॉक्टर शकील नामी कोई डॉक्टर हैं, उनको आपने वहाँ पे एक दिन के लिए लगाया, क्या ये लोगों के साथ मजाक नहीं है? देखिए कि डॉक्टर शकील जो हैं इस वक्त दरहाल में थे, उनकी दरहाल में ही पोस्टिंग है, तो हमने यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, हमने बैलेंस करने के लिए उनको एक दिन के लिए भेजा है, आगे हम उनको फ्राइडे सैटरडे और संडे के लिए। अब तीन दिन ये लोगों को यकीन दहानी करा रहे हैं कि तीन दिन डॉक्टर शकील वहाँ बैठेंगे, इंशाल्लाह इनको हम दिल्ली भेजेंगे। सर, एक और सवाल है, क्या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो वहाँ पर अमला क्यों नहीं है उसको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए अमला क्यों नहीं है? देखो, अभी जो बिल्डिंग बन रही है, बन गई है तकरीबन, तो मार्च एंडिंग तक उसकी डेट है, तो मेरे को अप्रैल से हम नई बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा नेचुरली पोस्टें भी होंगी। सर, वहाँ पर एक मेन इशू है, धन्ना मंडी सब डिवीज़न है, 1 लाख की आबादी है, एक ही हॉस्पिटल, वो भी ना के बराबर। मैं तो ये आवाम के सामने कहूँगा, शायद किसी को बुरा भी लगेगा कि वो हॉस्पिटल नहीं है, उसको मैं ज़बाखाना ही कहूँगा, क्योंकि वहाँ पर अगर हमारी माएँ बहनें बेटियाँ वहाँ पर कोई डिलीवरी है वो वहाँ पर जाती हैं तो वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिलता है। बदकिस्मती से हमारी रोड भी इतनी अच्छी है कि मुझे लगता है कि आपको भी मालूम है कि कितनी पेशेंट्स की वहाँ पर डेथ हुई है, आखिर आप संजीदा क्यों नहीं है? सर देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे पास जो प्रेजेंट ना स्टाफ है तो डिलीवरी के लिए जो नॉर्मल डिलीवरी है वो तो वहाँ कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वहीं हमने जो आशा वर्कर, नहीं आशा वर्कर नहीं है, उसमें अच्छा फैसिलिटेटर है, नर्सिस हैं, और गायनोकोलॉजिस्ट वहाँ अभी नहीं जा सकता क्योंकि PHC में कैसे जाएगा। अच्छा, ठीक। आपका ये कहना कि 1 लाख की आबादी पे गायनोलॉजिस्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है, या भेज ही नहीं सकते आप? नहीं, भेज सकते हैं 1 लाख पे, तो भेजें ना, तो पहले आपका वो PHC बने। अच्छा, इसका मतलब लोगों को पहले इंतज़ार करना है, वो CHC बन जाए या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन जाए, उसके बाद ही वहाँ पर डॉक्टर जाएंगे, तब तक आवाम मरती है तो मरे। ये देखो, ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं बना सकता हूँ, ये
जो महकमा है ऊपर से जब बनाएंगे तो उसमें नेचुरली बेचेंगे भी। अभी तो डायरेक्टर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का दौरा हुआ था राजौरी में, आपकी मुलाकात भी हुई थी उसमें, क्या उसमें थन्ना मंडी को लेकर कुछ खास बात हुई? बिल्कुल हुई, हमने उनको ये बोला और बताया कि हमारे पास डॉक्टरों की बहुत कमी है और कुछ, तो उन्होंने हमें यकीन किया है कि हम जल्दी ही जो नए डॉक्टर अपॉइंट हुए और उनको हम भेजेंगे। सर जब वो हमने खबर चलाई थी कि डॉक्टर वहाँ पर नहीं, आपने उस पर क्या कार्रवाई की थी? उसको उसकी एक्सप्लेनेशन निकाल के उसकी इंक्वायरी की है, फिलहाल हमने उसको पे बंद की है। डॉक्टर साहब आपसे जानेंगे, क्या थन्ना मंडी और राजौरी में 22 किलोमीटर का गालबन फ़र्क है बाई रोड, तो आपके पास दो ब्लॉक हैं, मेडिकल ब्लॉक एक है लेकिन दो सब डिवीज़न अगर हम कहें या दो तहसीलें कहें तो वो आपके पास हैं। तो हमने दरहाल में देखा है माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, वहाँ सब डिवीज़न लेवल का हॉस्पिटल है, थन्ना मंडी में क्यों नहीं, वहाँ पर आप संजीदा नज़र नहीं आ रहे? देखो जी ये आप अपने लीडरों से पूछो या महकमे के ऊपर महकमा, तो आप ही है ना जनाब, आपसे नहीं, BMO नहीं ना दे सकता, BMO रिकमेंड तो कर सकता है। देखो SDH या PHC या जो भी है ये ऊपर से आएगा, गवर्नमेंट करेगी। सर 70 साल ऊपर से नहीं आया, आप कहाँ से आएगा? ये तो आपसे जानेंगे कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट कितना संजीदा, हम ये जानना चाहते हैं आपका पेपर वर्क कितना हुआ उसको लेकर। देखो जी पेपर वर्क ये है कि हमने तो जितना भी है हमने लेटर लिख के भेजा जी ये बनाओ, हमें तो ड्यूटी है। आपने लिख के भेजा? नहीं डॉक्टर्स के लिए आपने लिखा है, आपने लिखा? बिल्कुल डॉक्टर्स के हमने लिखे हैं। डायरेक्टर साहब से जब आपकी बात हुई तब भी डॉक्टर्स का मामला उठाया गया? उठाया गया, बिल्कुल उठाया गया। उन्होंने कहा हम जो नए डॉक्टर हैं हम जल्दी भेजेंगे। तो सर बिल्डिंग बन चुकी है और सिर्फ बिल्डिंग बनने से हॉस्पिटल नहीं बनेगा, वहाँ पर आप नेक्स्ट आने वाले 2-3 महीने में लोगों को क्या उम्मीद की किरण जो है वो जगाएंगे उनके दिल में? देखो जी हमें डॉक्टर शकील हैं फिलहाल, ये मेडिसिन में MD हैं, तो हम इनको डिप्यूट किया उधर एक दिन के लिए, तो अभी इनको फ्राइडे सैटरडे संडे उधर भेजेंगे। एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा लोगों को और जल्दी ही हमारे CMO साहब ने 40 डॉक्टर और दूसरे मुलाजम जो हैं रजौरी GMT में थे जो, उनको उन्होंने कॉन्वर्ट करके उनको वापस बुलाया और उन्होंने भी कहा था कि 4 डॉक्टर उनमें से। थन्ना मंडी कितने भेजे? तो वहाँ से डॉक्टर मेरे को 1-2 डॉक्टर थन्ना मंडी भेजेंगे। ये हम यकीन रखें कि आने वाले दिनों में जो है वो डॉक्टर्स की कमी सब डिवीज़न थन्ना मंडी में पूरी हो जाएगी और बिल्डिंग का जो मामला वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल जी, बिल्डिंग मार्च के एंडिंग तक उन्होंने बोला कि तैयार हो जाएगी और डॉक्टर्स भी जल्दी आएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो दरहाल और थन्ना मंडी और वो हमारे साथ थे, उनसे हम बात कर रहे थे। इनसे एक और सवाल पूछेंगे मशीनरी को लेकर। देखो मशीनरी में ये है कि इस बार पिछले 2 महीने में जो काम हुए उसमें ये है कि हमने एक तो जो डिलीवरी रूम थे उनको बड़ा किया है, उनके एक कैबिन बनाए हैं अलग किया है, उसमें CMO साहब ने हमें बड़ा गाइड किया है। उसके बाद डिजिटल एक्सरे वहाँ इंस्टॉल किया है। उसके बाद 2 दिन पहले ना ये डेंटल चेयर थी वो भी इंस्टॉल कर दी है, तो अब काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। आप डॉक्टर भेज दें, फ़ायदा तब होगा, मशीनरी भी वहाँ काम नहीं करेगी जब तक डॉक्टर्स नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है आवाम का और आवाम की तरफ से डिपार्टमेंट को और आपको एक मैसेज देना चाहेंगे। आवाम ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि अगर 1 माह के अंदर अंदर हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो जनाब फिर हमें एहतजाज करना पड़ेगा। बिल्कुल जी हमें यकीन है कि ऊपर से डॉक्टर साहब को इस बात का पता है, बहुत जल्दी वहाँ पे डॉक्टर आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का कश्मीर कौन के साथ जुड़ने के लिए। और ये खास गुफ्तगु थी जिस तरीके से थन्ना मंडी सब डिवीज़न के सेहत के मामले को लेकर हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पर हॉस्पिटल में जिस तरीके से जो जो भी कमी है उसको पूरा किया जाए। और आज हमारी बात जो है BMO दरहाल ब्लॉक से भी हुई, जिनके पास ये दोनों ब्लॉक हैं, थन्ना मंडी भी और दरहाल भी। और हम उम्मीद करेंगे कि हमने आवाम की जो जायज़ और दरीना मांग है उसको इनके सामने भी लाया है, सरकार के सामने भी लाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है आवाम की जो मुश्किलात है उनको दूर किया जाए। और हम वादाबंद भी हैं अगर ये 1 महीने में के अंदर ये पूरा नहीं करेंगे तो हम फिर अपनी आवाज़ जो है आला हकाम तक ज़रूर फिर से पहुँचाएँगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का।
Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.